तो देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं मनोज झा, कह रहे हैं इस मामले की गंभीरता से होनी चाहिए जांच। लेकिन स्वाति मालीवाल कौन है और वो आम आदमी पार्टी के लिए क्या अहमियत रखती हैं, आइए आपको जल्दी से समझाते हैं। स्वाति मालीवाल आपके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, वो केजरीवाल की काफी करीबी रही हैं और इसीलिए उन्हें 2015 में सबसे कम उम्र में दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी साल की शुरुआत में उन्हें आपने राज्यसभा सांसद बनाया, वो अरविंद केजरीवाल की सलाहकार भी रह चुकी हैं। ऐसे में अगर मालीवाल अपने साथ सीएम हाउस में मारपीट का आरोप लगाती हैं तो ये मामला कितना गंभीर हो जाता है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक जो स्वाति मालीवाल है वो रह चुकी है। अब बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया है कि केजरीवाल ने इस मामले में अभी तक क्या कदम उठाया, केजरीवाल ने क्या एक्शन इस मामले में लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। स्वाति मालीवाल के मामले में संजय सिंह का जो बयान आया है वो ये बात तो स्पष्ट करता है कि स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा हुई है, मुख्यमंत्री के घर में हुई है, प्रताड़ना हुई है और विभव कुमार ने की है। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि इसमें केजरीवाल एक्शन लेंगे। केजरीवाल क्यों एक्शन लेंगे? केजरीवाल ने अभी 31 घंटे हो गए, पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी, पुलिस क्यों नहीं बुलाई, विभव को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? कोई अपराध हो जाएगा उसमें आप पुलिस नहीं बुलाएंगे, उसमें आप केजरीवाल खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही पुलिस बन जाएंगे। एक महिला सांसद को मारा गया, पीटा गया मुख्यमंत्री के घर में, महिला सांसद ने पुलिस को फोन भी किया, संजय सिंह ने यह बताया कि यह घटना सच में हुई है और अरविंद केजरीवाल अपने घर में इतना बड़ा अपराध हो गया चुप बैठे हैं और अब कह रहे हैं एक्शन भी अरविंद केजरीवाल लेंगे, जबकि फोन कॉल में स्पष्ट तौर पर स्वाति मालीवाल जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव ने मारा है। तो केजरीवाल तो खुद अपराधी है और अब तो उन्होंने इस अपराध को दबाने का भी पाप किया 31 घंटे तक। उन्होंने सिर्फ फोन कॉल नहीं किया बल्कि वो बाकायदा पुलिस स्टेशन भी गई, तो क्या वो किसी तरह से कुछ कहना चाह रही थी और ऐसे ही डराने धमकाने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी, या वाकई में इनमें कुछ सच्चाई है? और लोग जानना चाहेंगे कि जो DCW की हेड रही हैं, महिला सुरक्षा की जिन्होंने बात की है, जो आज के तौर में राज्यसभा की सांसद हैं, ऐसे गंभीर इल्ज़ाम वो क्यों लगा रही हैं? और विभव के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, हमारे जैसे लोग जिन्होंने बहुत सालों से उनके साथ काम किया है, उठे बैठे हैं कि किस तरह का इंसान वो है और किस तरह से वो केजरीवाल जी के आदेश मानता है। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को ये जानना चाहिए क्या है असलियत केजरीवाल जी की। तो देखिए, ये वो दोनों नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथी कभी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे हैं, लेकिन इनका भी आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ, गंभीर आरोप लगाए और पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बताना चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि उनकी पार्टी के भीतर उनके सीएम हाउस पर आकर क्या हो रहा है।